हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज सऊदी अरब में हूँ और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो हंगर स्टेशन के ऊपर बना रहा हूँ कि सऊदी अरब के अंदर हंगर स्टेशन पे काम कैसे करते हैं और कितना डिलीवरी मिलता है और कैसा काम है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। मेरा भी फर्स्ट दिन है आज हंगर स्टेशन पे और थोड़ा सा नर्वस हूँ। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं वीडियो बनाने की। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ सऊदी अरब के अंदर हंगर स्टेशन पे डिलीवरी कैसे करते हैं और हमको कितना बेनिफिट मिलता है, कितना पैसा मिलता है पर डिलीवरी का और किस तरह काम होता है। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं जाऊँगा जो हंगर स्टेशन का राइडर एप्लीकेशन है उसको ऑन करूँगा और ऑन करते ही इस पर पहले शिफ्ट लेनी पड़ती है कि आपको कितने घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है या 4 घंटे काम करना है, शिफ्ट लेनी पड़ती है। मैंने शिफ्ट ले रखी है और शिफ्ट का टाइम भी हो चुका है और अब मैं करता हूँ इसको एग्री और स्टार्ट। वेरिफिकेशन मांगेगा जो हमको लाइव करना होगा और इसके लिए हमको क्या करना है, सीधा स्टार्ट कैमरा पे जाना है और अपनी वेरिफिकेशन जो है ऐसे करनी है। हमारी वेरिफिकेशन जो है वो हो गई है, अब इसको करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड के जो बाद है हमारी जो आईडी है वो स्टार्ट हो गई है, अभी हम ऑनलाइन है। अभी जो जैसे ही कोई भी ऑर्डर आएगा हमको ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करना है। हम इसको ऑटो एक्सेप्ट पे भी रख सकते हैं और ऐसे भी मैन्युअली भी रख सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा हमको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। तो अब हम वेट करते हैं। हमको जाना पड़ेगा जहाँ पे ये रेड डॉट हैं, ये रेड डॉट हैं, ये जहाँ पे काम ज़्यादा है। फ्लैश ऑफ कर दिया है क्योंकि लाइट्स आ रही थी। जहाँ पे ये रेड डॉट है इसका मतलब है कि यहाँ हाई डिमांड डिलीवरीज़ है। अभी जहाँ पे ये रेड डॉट है और जिस साइड में ये थोड़ा रेड डॉट है वहाँ पे मतलब कि थोड़ा कम डिमांड है। तो हम जाते हैं इस रेड डॉट की तरफ ताकि हमको ऑर्डर जो है वो जल्दी से मिल पाए और चलते हैं वहाँ। जब ऑर्डर आएगा तो नेक्स्ट, तो चलते हैं इस रेड डॉट की तरफ। और मेरे पास जो गाड़ी है वो है L200 पिकअप ट्रक, मिनी ट्रक और कुछ इस तरीके का। और अभी हो गए हैं रात के 10:30 बज चुके हैं तो हम जा रहे हैं सीधा रेड डॉट की तरफ जहाँ पे ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वीडियो में बने रहना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिलीवरी करना है, कितने पैसे इसमें मिलते हैं हमको। और तो जी दोस्तों ऑर्डर आ चुका है। मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैं आपको बता नहीं सका कि एक्सेप्ट कैसे करना है। ऑर्डर आ चुका है और ये ऑर्डर उठाना है फलाफेल और शोरमा, जो वो ग्रीन कलर का ये है लास्ट वाला। यहाँ से जो है ये ऑर्डर पिकअप करना है। वहाँ जाएंगे, उनको ये आईडी नंबर देंगे, फिर एक्सपीरियंस अपना यहाँ शेयर करेंगे। यहाँ पे जो रिसीप्ट है, जो वो बिल देंगे उसका जो फ़ोटो है वो ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद जो है पिकअप करना है। तो जो वो है वो सामने वहाँ रेस्टोरेंट से उठाना है और फिर कन्फर्म पिकअप करके जो कस्टमर का लोकेशन है वो आएगी। तो चलें चलते हैं, पहले अपना ऑर्डर उठाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे पिकअप करना है। जी जो है ये हमने अपना ऑर्डर जो है वो ले लिया है दुकान से, अभी मैं गाड़ी में जाके तो इसको पिकअप करते हैं। ऑर्डर जो है वो ले लिया है। ये जो है ये बिल है और ये बिल जो है हमने अपनी हंगर की जो एप्लीकेशन है उस पर ऐड करना है। यहाँ से इसका फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ से ओके करके और कन्फर्म पिकअप कर देना है। अभी जो है वो कस्टमर की लोकेशन आ गई है कि कितनी दूरी पे छोड़ना है और उसको उससे हमने लेने हैं 104 रियाल, यानी कस्टमर से जो है हमने कैश लेना है 104 रियाल।
अगर इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो ये बनता है 2400 कुछ। तो अभी हम कस्टमर की लोकेशन पे नेविगेशन करते हैं तो सीधा हमको गूगल मैप में लेके जाएगा और सीधा जो हमको कस्टमर के पास लेके जाएगा। अभी हम चलते हैं सीधा कस्टमर के पास और वहाँ जब ड्रॉप ऑफ करेंगे, कस्टमर से कैश लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमको जो प्रॉफिट है हमारी डिलीवरी का वो कितना मिला है। वो हम पहुँच गए कस्टमर के घर, ये घर है कस्टमर का और अब हम करेंगे कस्टमर को कॉल, यहाँ से कॉल करेंगे कस्टमर को। ये नंबर आ गया है कस्टमर का और ये करेंगे कस्टमर को कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आक मंदूब हंगर स्टेशन भाई, खैर वाद बिल्ले फी इमारा महल इसम माजिद के फी महल तहत इसम माजिद محل ايوه 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 خلاص بديك واقف بحل تمام تمام ابھی جو ہے کسٹمر آئے گا اور وہ پیمنٹ کرے گا 104 ریال اور پھر جو ہے ہم ڈراپ آف کر دیں گے۔ ابھی ویٹ کرتے ہیں کسٹمر کے آنے کا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو ہوں میں گاڑی میں آ گیا ہوں، کسٹمر نے یہ پے کر دیا ہے 104 ریال اور اب جو ہم کریں گے اس کو कन्फर्म ड्रॉप ऑफ। ठीक है, यह हो गया हमारा एक ऑर्डर कंप्लीट और इस ऑर्डर की जो हमें पेमेंट है जो मतलब मिली है वो कितनी है, इसकी पेमेंट जो हमको मिली है वो हमको मिली है 15 रियाल, यानी अराउंड 10 किलोमीटर था ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना और मुझे तकरीबन इसको ड्रॉप ऑफ करने में आधा घंटा लगा। और अगर इसको इंडिया करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करो तो ये बनता है इंडिया का 350 रुपये के आसपास। तो जो एवरेज है पर हावर, अगर मैं इस पर रेगुलर काम करूँगा एवरेज जो है वो है 27 रियाल, यानी 600 रुपया पर घंटा इंडिया की करेंसी के हिसाब से। तो मैं तो जॉब करता हूँ 8 से 10 घंटा, तो उसके बाद मेरे पास 1 से 2 घंटा होता है काम करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर कोई आज़ाद वीज़े पर आएगा तो वो आराम से एक दिन का। और अभी एक और ऑर्डर आ गया है शायद मेरे ख्याल से, अभी देखते हैं। हाँ, ऑर्डर आ गया है और 13 रुपये का, इसको हम करते हैं एक्सेप्ट। देखो, एक ऑर्डर हमने ड्रॉप ऑफ किया है, यहाँ से बहुत नज़दीक है, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के अराउंड होगा, वहाँ से जाके हमने पिकअप करना है। लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, अब देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं, इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं। अभी जो है हम हमारी लोकेशन पे आ गए हैं और जो ये रेस्टोरेंट है इसमें जो है रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है अल्फाजा, और आज मुझे लगता है रश नहीं है उतना, तो हमको ऑर्डर जल्दी मिल सकता है। जैसे ही गया, ऑर्डर रेडी था, वहाँ उनको नंबर दिखाया और ऑर्डर लेके आ गया। और इस कस्टमर से भी मैंने कैश पिकअप करना है 57 रियाल। और ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर से हम लोग जो है पैसे कलेक्ट करते हैं, हमको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हमारा डिलीवरी चार्जेस होगा। अगर 14 रुपये या 15, मान लो कि हमको अगर 100 रियाल कलेक्ट करना है कस्टमर से तो हमारी डिलीवरी चार्ज होगी 10 रियाल, तो जो 90 रियाल होगा वो हमारे अकाउंट में माइनस होगा। तो जैसे जैसे हम डिलीवरी करते जाएंगे तो कोई कस्टमर जो होता है वो ऑनलाइन पे करता है। तो जो ये कंपनी है हंगर स्टेशन, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके कस्टमर को वेट करना पड़े ताकि ड्राइवर जब पहुंचे रेस्टोरेंट में तो फिर वो पे करे, फिर ऑर्डर रेडी हो। इसलिए जो कंपनी है वो ऑनलाइन पे ऑर्डर कर देती है, तो हम लोग जाके सिर्फ कलेक्ट करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अगर कस्टमर के पास ऑनलाइन नहीं है तो वो फिर कैश हमको देता है। जब कैश देता है वो जो हमारी डिलीवरी चार्ज रहती हो, मतलब जो हमारी डिलीवरी चार्जेस होती है उसको लेस करके जो कंपनी है वो हमारे अकाउंट में माइनस कर देती है। मान लो हमने 100 रियाल कलेक्ट किया, 10 रियाल हमारा डिलीवरी चार्ज है, 90 रियाल हमारे अकाउंट में माइनस हो जाएगा। ये ऐसे प्रोसेस होता है। तो चलो, ये ऑर्डर भी डिलीवर करते हैं। बहुत जल्दी आ गया ऑर्डर और बहुत जल्दी जो है मुझे यहाँ से ऑर्डर मिली है। और रोड में मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी कैमराज हैं और हाथ में फ़ोन पकड़ूंगा एकदम से वो कैमरा में कैच हो जाएगा और मुझे फ़ाइन आएगा 500 रियाल। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 12,000 रुपये,
और यहाँ कोई चांस नहीं है कि वो माफ़ हो सकेगा, वो लाजमी भरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बचता हूँ कि मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ ड्राइविंग के टाइम। और चलो इस ऑर्डर को भी डिलीवर करते हैं, देखते हैं कितनी दूर है। तो ये कस्टमर ने भी पेमेंट कर दी है इसको। चलो जी, हो गई है डिलीवरी हमारी। दूसरी डिलीवरी हमारी इस घर में थी। अभी टाइम भी नहीं है, मेरी दो डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम नहीं है। अगर करना चाहूँ तो सुबह तक कर सकता हूँ, ऐसे ही काम चलता रहेगा, लेकिन टाइम नहीं है। और भी अपना अभी जॉब का भी देखना पड़ता है। अभी जो है ये मैंने कस्टमर से ले लिए हैं 57 रियाल, और अभी इसमें को करता हूँ मैं ड्रॉप ऑफ। और आज की वीडियो में इतना ही। बहुत आसान है यहाँ काम करना और बहुत मुश्किल भी है। मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मुझे आसान लग रहा है, और नए बंदे को तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत आसान। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लास्ट में ये मेरे रूम के बाहर बिल्ली है, इसके लिए खाना लेके आया हूँ। खुद के लिए लेके आया था, तो इसको भी खिलाना है क्योंकि ये भूखी है। इसके बच्चे हैं 3-4, वो यहाँ पे घुस गए हैं अंदर। ले बहुत ज़्यादा भूखी है क्योंकि इसके 3-4 बच्चे भी हैं। तो चलो थोड़ा खाना कम खा लूँगा मैं, इनको खिलाना ज़रूरी। आ जा आ जा, वो एक बच्चा निकला है बाहर। आ जा बेटा। और ये काटती भी है बहुत। ये देखो अभी नहीं काट रही है, अभी खाना खा रही है कि बच्चे हैं इसके। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इस बिल्ली के साथ, और कल एक नए व्लॉग के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना हमको भी, और हम आपको भी रखेंगे। बाय बाय।